हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस एजुकेशन में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। दो पार्ट इसके मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज फ्री में चाहते हैं तो एक क्विज कॉम्पिटिशन में करा रहा हूँ। 20 सितंबर को होगा। ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इससे संबंधित, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लें। टेलीग्राम को हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनमें आरआरबी की ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एसएससी की टेस्ट सीरीज में ये सारी टेस्ट सीरीज एसएससी के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एमपीपीएससी और व्यापम की जो टेस्ट सीरीज हैं उनमें आपकी एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, सब इंजीनियर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एंट्रेंस टेस्ट और ग्रुप चार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल है। इसके साथ सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है, जल्द ही आप तक आ जाएंगी। ये हमारी ई बुक्स और प्रिंटेड कॉपी है, इनको भी आप अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सब की जो लिंक है वो मिल जाएगी। इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं इनके दो पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, ऊपर आप आई बटन पे इनको जाके चेक कर सकते हैं। इनके बारे में आपको पूरी बहुत सारी योजनाएं जो हैं, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले उनके कार्यकाल में काफ़ी योजनाएं आई हैं, तो ज़्यादातर योजनाएं वहीं की हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है हमारी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, देखिए इसमें क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार होते हैं यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनके परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 25 सितंबर 2004 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी। और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष माने हर साल 20,000 रुपए की चिकित्सा सहायता ऐसे परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको उपलब्ध करवाई जाती है। निःशुल्क डायलिसिस योजना, आपको पता है किडनी से संबंधित अगर रोग हो जाता है, बीमारी होती है तो ये डायलिसिस की जरूरत पड़ती है इसमें। और वर्ष 2016 से प्रदेश के समस्त जिलों में निःशुल्क डायलिसिस योजना जो है वो संचालित करी जा रही है। इसके अलावा इस प्रकार की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा जो है हर जिले में दे रहा है। आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कौशल्या योजना की। देखिए ये भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2018 में ये आई थी, वर्ष 2017-18 में ये योजना आई थी और प्रमुख रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए योजना थी। इसमें महिलाओं को हुनरमंद यानी कि स्किल उनके अंदर डेवलप करने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है और इस योजना को शुरुआत करा गया है। इस योजना में ये चीज़ याद रखें, 15 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं, ठीक है, मतलब उनकी जो एज है वो 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण मतलब स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो ट्रेनिंग है 14 सेक्टर्स हैं जिनमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये ध्यान रखना है आपको कि कितने टोटल 14 ट्रेड्स हैं जिनमें ये दी जाती है। आप ये ट्रेड्स देख सकते हैं जैसे ब्यूटी वेलनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क्स, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेस, मतलब दुनिया भर की जो आपकी चीज़ें हैं ऐसे 14 ट्रेड्स हैं। आपको केवल इतना याद रखना है, एक एक चीज़ याद नहीं रखी जा सकती है। और इसका मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का जो ध्येय वाक्य था यानी कि प्रतिभा प्रेरणा प्रगति, ठीक है, थीम वाक्य जो है ये भी आप याद रख सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त करना। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि राज्य सरकार ने हर साल 2 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य इसमें रखा है, मतलब हर साल 2 लाख महिलाओं को इसमें स्किल डेवलपमेंट से संबंधित किसी न किसी ट्रेड में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2013 से इस कार्यक्रम को शुरुआत करा था मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और विद्यालयों में 0 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं एवं छात्र छात्रा हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण इसमें किया जाता है सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और विद्यालय, मतलब बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने से लेके 0 से 18 वर्ष तक, ठीक है ना, स्वास्थ्य परीक्षण उन बच्चों का किया जाता है। फिर अगली योजना कैंसर कीमोथेरेपी योजना। देखिए कैंसर कीमोथेरेपी योजना जो है आपकी ये एक कैंसर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था 5 फरवरी 2000
14 से, और इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें करीब 19 प्रकार के प्रति कैंसर औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी एंटी कैंसर मेडिसिन। कितने प्रकार की? 19 प्रकार की एंटी कैंसर मेडिसिन जो है वो उपलब्ध सभी जिलों में ये करवाई जाती है, कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित करी गई है। अगला है हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देखिये, ये जो कार्यक्रम है 1 जुलाई 2011 से प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला है हमारा ममता अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर, इनमें स्थिरता लाने के उद्देश्य से ममता अभियान का प्रारंभ राजधानी भोपाल से शिवराज सिंह चौहान ने किया था। 26 जून 2014 को ममता अभियान का प्रारंभ किया गया था, और इसके लिए जो फिल्म अभिनेत्री हैं माधुरी दीक्षित, इनको इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और इसका द्वितीय चरण जो है, ठीक है, वही 26 जून 2014 को स्टार्ट करा गया था, और यूनिसेफ संस्था के द्वारा। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इनके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अगला है हमारा आयुष्मान भारत योजना। आपको अभी पता होगा ये आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की योजना थी, इसको भी मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये योजना लागू करी गई थी। मध्य प्रदेश में इसको लागू किया था 15 अगस्त 2018 से। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, और इसमें जो ब्लू पॉवर्टी लाइन, जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो फैमिलीज हैं, उनका निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। इसके साथ साथ अस्पतालों में उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भी करवाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, इसी योजना के टक्कर में मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार है, वो हाल में अनाउंसमेंट ऐसा किया गया था कि वो हाल में महा आयुष्मान योजना करके एक योजना ला रहे हैं, मतलब राइट टू हेल्थ जो है वो मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाना है। ठीक है, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, आपने ये भी करंट अफेयर की वीडियोज अगर आप देखते हैं तो आपको मैं पहले भी इन सब चीजों के बारे में बता चुका हूं। जननी सुरक्षा योजना, ये योजना जो है इसका भी प्रमुख जो उद्देश्य था वो था मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसके साथ साथ संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत जो शासकीय चिकित्सालय यानी कि अस्पताल है उनमें प्रसव कराने वाली जो ग्रामीण क्षेत्र की अगर महिलाएं हैं तो उनको 1400 रुपये दिए जाते हैं, और अगर शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं तो उनको 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी योजना है उनकी आपको डेट तो याद रखनी ही है, लेकिन अगर उनमें कोई पैसा दिया जाता है, ठीक है ना, या किसी प्रकार की भी आर्थिक सहायता दी जाती है, तो अगर महिला ग्रामीण है तो 1400 रुपये दी जा रहे हैं, अगर महिला शहरी है तो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखें, लास्ट ईयर पटवारी में बहुत सारी योजनाएं पूछी गई थी और लोगों को बहुत सारी योजनाएं मिली भी नहीं थी, और इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे, इसलिए आप इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो गाइज, ये पूरा था हमारा आज का योजना का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर चाहते हैं कि अगला पार्ट इसका आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।